ठीक है, चलो बाय बाय। भाई ब्लॉग एंड हो चुका है। चाय से बनी बॉडी। और अभी हम लोग का एक कानपुर में आर्ट कैंप है, तो हम नई दिल्ली आए हुए हैं। मैं हूँ के भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग सोचे यहाँ पे भी लाइव आएंगे और कुछ स्केचिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग का ये कौन से P3, तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, गरीब लोग नहीं है, हम एसी में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके सामने खड़े हैं, जनरल में नहीं जा रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार पैसा दे रही है। बिल्कुल 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 सही है। अभी मिलते थोड़ी देर में, कुछ बातें करते हैं। हाँ, के भाई लाइव करते हुए इंस्टाग्राम पे अभी ज्वाइन करूंगा मैं भी थोड़ी देर में। जुड़ते जाएं आप लोग। जय लंकेश, सभी को प्रणाम। सो अभी लाइव आने का कारण मैं बता देता हूँ कि लाइव क्यों आया हूँ। अभी रेलवे स्टेशन पे हूँ, आप देख पा रहे हो, दिखा देता हूँ मैं आपको। सुशांत जी, सुशांत भाई, हेलो। तो फाइनली अभी ट्रेन की बोगी का डिब्बा मतलब खुल गया है। बहुत देर से बाहर वेट कर रहे थे और बैग उठाते हुए, मैं उठा लूँगा मैं उठा लूँगा तभी इंटर करते हैं। चल अंदर इंटर करते हैं और फिर बातें करेंगे आगे। ठीक है, चलो चलो मैं आता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का B3 में कोच है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पर आर्ट कैंप है। और पूरा सब आने जाने खर्चा रुकने सब कानपुर यूनिवर्सिटी के जितना भी जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो वो सब उन्होंने पूरा किया है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। ओके, थैंक यू। कानपुर का सफ़र शुरू हो चुका है, हम सोने की तैयारी में। और सुशांत भाई जूते वूते जमा के सेट हो रहे हैं। सो भाई लोगों को गुड नाइट। कल की सुबह कानपुर, ठीक है, श्रीलंका। तो अभी हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं। तो फाइनली कानपुर आ चुके हैं। कानपुर तो दिखा दो, उल्टा दिख रहा है। और सुबह के 6 बजे हैं, तो अभी हम लोग अपने मैं अपने घर ले आ रहा हूँ इनको, और खातिरदारी होगी अच्छे से। ठीक है, फिर निकलेंगे वहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए। तो मिलते सभी लोगों से। ओके बाय। सो दोस्तों, ये है शशांक भाई का कलेक्शन। 10-10 के नोट देखो, मतलब पुरानी 500 का है, 100 का है, मतलब जो भी तब जितने भी आए इंडिया में अलग अलग, 2-1 हर गवर्नर के टाइम का है। 10 के 786 कलेक्शन है। ये कौन सा है, क्या है ये? ये नेपाल का है। ओके, ये 786 कलेक्शन है। आया हुआ नहीं भाई, मैं ऐसे दिखाओ। बाकी पूरी 1 रुपये गड्डी पूरी रखी हुई है। 1 रुपये भगवान। अब मिलने अभी वैसे मिलते ही नहीं है, ये अभी नहीं मिलेगी। खजाना है, देखा ये देखो कहाँ कहाँ के हैं। ये तो अपना कौन सी जगह का है, कोरिया का। कोरिया का, अब तो ये वाला भी इतिहास हो गया। सही बात है, नोटबंदी के बाद से पहले वाला नोट, पहले वाला नोट ही था, अभी वाला तो पर्ची सा लगता है मेरे को। सही बात है। ये देखो, ओ शाबाश। अरे तो बहुत कम है, बाकी अब तो बहुत कलेक्शन बढ़ गया। न जाने कौन कौन सी कंट्री के हैं, देख सकते हैं आप। जैसे देख सकते हो ऐसे पड़े हुए हैं। ये देखो, हर नोट पे किसी न किसी चचा का फोटो है। चाइना, भूटान, दुबई, नेपाल। भाई का कलेक्शन। साउथ अफ्रीका। तो पूजा हो चुकी है, भाई लगे पड़े हैं हमारे। देखो भाई का पेट भर ही नहीं रहा है। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बाकी हमने जल्दी निपटा दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे भाई, कुछ बोलना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? अरे कहाँ नहीं बोलते। तो अभी हम लोगों ने पेंटिंग
ठीक है, कंप्लीट कर दिए। मेरा रिपोर्ट थोड़ा बच बचा है मेरा 15 मिनट का, तो अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी ये सारी जो खाते वक्त कुछ या खाने के बाद में बोल देते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गेट दिख रहा होगा, सही है, उधर भी लोग हैं, लोग बैठे हुए खा रहे हैं। तो हर जगह से आर्टिस्ट आए हुए हैं, जयपुर से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, मतलब इंडिया के अलग अलग जगह से हैं। तो बताऊंगा मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, कानपुर से भी हैं, अच्छी बात ये है, कानपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है इंटरनेशनल सेंटर में, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और सबने अच्छी पेंटिंग बनाई, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो सबकी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा मैं, किसने कौन कौन से काम अलग डिफरेंट, वैसे मोस्टली एक्रेलिक मीडियम सबने काम किए हैं, काफ़ी अच्छे वर्क है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो देखने में। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सामने आप ये बनानी है, ठीक है।
मेट्रो सिटी खोलने के सामने है मान लो इस जगह उसकी है मान लो नॉन बैठ होता किसी के बहुत बड़ा उसके अंदर कम अज कम हेड हो गया लेकिन जो सामने सिटी खोलने वाला अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने कैंटीन में मैं के भाई और सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के आप देख सकते हो हम किसी शहर में जाएं और चाय ना पिए ये हो नहीं सकता और क्या चाय जरूर से बनी बॉडी मिलते फिर अभी आगे ठीक है इसी से चलना थोड़ा सा घूमना मन इससे ऊपर होके चलना ठीक है चल चलो छाती तान छाती चलो चलो बारिश आ चुकी है और हम लोग रुके हैं कहाँ ये हम लोग आए एटीएम पे एटीएम की एड में रुके पड़े हैं आ रहे हैं पब्लिक रुकी पड़ी है लेट हो गए घर की तरफ जा रहे थे कैसा अनुभव कर रहे हैं बहुत बढ़िया बस जब तक आपके माइंड में ये नहीं रहेगा तब तक आप आर्टिस्ट के बारे में नहीं लिख सकते हो सपोज अगर सर मतलब कोई अपनी पेंटिंग दिखाते हैं ठीक है तो सर ने तो पेंटिंग दिखा दी ठीक है जो सर हालांकि ये बात सच है कि आर्टिस्ट से अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि उसने क्या बनाया है लेकिन फिर भी कहीं और आज मैं आया हूँ कल से एक मेरा दोस्त है जिसका स्टूडियो है फोटोग्राफी का और वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और बहुत सारे ज्ञान की बातें हो रही हैं थ्योरी की बात हो रही है आर्ट में क्या करियर उसके बारे में बातें हो रही हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं के भाई भी हैं और भी कुछ सीनियर्स हैं सब बैठे हुए हैं मौसम बढ़िया हो रखा है बाहर का बारिश हो रही है मैं किनारे खड़ा हूँ बाकी सब स्टूडेंट अंदर बैठे हुए मैं दिखाता हूँ भी आप लोग को कि क्या चल रहा है यहाँ पर और ये स्टूडियो यहाँ पे फोटोग्राफी का भी है ऊपर पेंटिंग का भी है मतलब जो जो कॉन्ट्रेस्टिक बच्चे निकले हैं जो सीनियर हैं उन्होंने खुद का अपना एक स्पेस बनाया है काम करने का फोटोग्राफी का सीखते भी हैं सिखाते भी हैं और फ्रीलांस काम भी करते हैं तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को ये बच्चों के काम है मेरे बच्चों के भी हैं सीनियर्स के भी वर्क हैं फोटोग्राफी के और यहाँ पर चल रहा है वार्तालाप मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास चल रही है इसलिए ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ आप लोग देख सकते हो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है सब लोग आकाश भाई शक्ल दिखा दो आकाश भाई शक्ल दिखा दो ठीक है तो बच्चे को क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दिया जा रहा है तो सभी जिसको जो कुछ सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बच्चों से सारी चीज़ें दिए बोल रहा हूँ ऑफकोर्स बच्चे को ज़्यादा तेज मैं बोल नहीं सकता हूँ ये है पूरा और यहाँ सब बातें चल रही हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोग को ये अलग चल रहा है यहाँ पे ये क्या चल रहा है तो यहाँ पे ये स्टूडियो बना रखा है बहुत अच्छी फोटोग्राफी है यूडी भाई अविनाश एंड अंकेश का पूरा स्टूडियो है ये सेटअप पूरा शूट्स होता है एंड पूरा स्पेस ले रखा है मैं सामने दिख जाऊंगा आप लोग को
ब्लैक कुर्ता पहन रखा है, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं बाद में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। और अभी हम लोग आए हैं कानपुर की मिस्टन रोड मार्केट, के भाई को बड़ा चप्पलें हैं लेदर की, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है चप्पल, ये वाली ली है हमने, ये वाली ली है, इसको डार्क करवा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। मैं चलो दिलवा देता हूँ, बहुत टाइम से नहीं दिलवाता था, फिर रह जाता है कि यार चप्पलें दिलवा नहीं पाया, भाई पॉलिश चल रही है चप्पलों में। मिलेंगे, बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन भैया। उधर इधर देख के एक बार आलो कर दो, उधर उधर ये भैया कर रहे हैं पॉलिश। चलो मिलते हैं फिर, अभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, आज लास्ट डे हम लोग का, और देखते हैं कुछ समापन की वीडियो डालेंगे, थोड़ी बहुत इज्जत इज्जत मिलेगी और क्या। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, थैंक यू। और आज हम लोग समापन समारोह में आए हैं आर्ट कैंप के, और काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पीछे भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये दो एक और भी है, ठीक है। और इधर के भाई भी हैं, तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, अभी तो वेट कर रहे हैं, बस स्टूडेंट बैठे हैं, आप पूरा देख सकते हैं क्या मिलता है भाई और क्या क्या फल मिलता है। और अच्छा लगा काफ़ी, हाँ अनार मिलेगा कुछ अच्छा दिया तो ठीक, तो जय लंकेश। देखो पीछे मुस्कुरा रही है, देखो देखो उसको, देखो उसको आना है ब्लॉग में, आना है चिपड़ियों को, ये हम दोनों ना ब्लॉग में चीपड़ी हो, चीपड़ी हो बोलना, चीपड़ी छोटी अच्छा कोई भाई बोल लिया, कोई एक नाजुक लड़का, ये छोटा मंकी। तो अभी हम लोग व्लॉग करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, तो व्लॉग से ली रहे हैं, बस वेट वेट कर रहे हैं, फॉर्म हम भरवा रहे हैं, भर तो दिए, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो एक और फॉर्म भटक दिया जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी आप लोगों को पेंटिंग्स दिखाएंगे, आर्ट बाकी आर्टिस्ट ने क्या क्या काम किया है, और हम लोग बस कर दिया है काम, ठीक है। तो सभी को मिलते हैं, बाय बाय। देश के विभिन्न जगह से आए सभी जो हमारे कलाकार हैं, ये सारे टैलेंटेड कलाकारों को उन्होंने आमंत्रित किया था, और उन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं बनाई। उसके लिए मैं सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ में उनकी टीम भी। सचिन जी पूरी अपने मन से बनाने और आपने सुंदर चित्र रचना की है, अच्छा सुंदर जी आप मुंबई महाराष्ट्र में श्री अक्ष बोल से पढ़ा रहे हैं, और आपका भी सम्मान हम सभी करना चाहते हैं, आपके चरणों पर आए श्री प्रेम करोगे, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री पंकज वर्मा जी, श्री पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी अखंड उत्तर प्रदेश से ही। और कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, और सभी लोग जा रहे धीरे धीरे, आप सब देख सकते हैं पीछे, और काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया था। उधर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, सबने बना रखा है, बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको आप लोगों को पेंटिंग्स दिखाता हूँ सभी को, क्या जी भाई पूरे वो ब्लॉग बन रहा है, हेलो सर ब्लॉग बन रहा है, अच्छा लगा लोग से, अच्छा लगा लोग से मिलकर, और काफ़ी अच्छे से मतलब कि जो बोला वो काम किया, ठीक है, इग्नोर नहीं मारा, ठीक है। हाँ, हम ही जा रहे थे। और बढ़िया लगा सबसे मिलके,
और सभी यार बहुत प्यारे हो, मुझे लगता है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो सबसे पहले तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा और बिल्कुल सर अच्छे से काम करो और हम लोग से आगे बढ़ो। बिल्कुल सर ठीक है। हाँ अरे ठीक है चलो बाय बाय। भाई ब्लॉग एंड हो चुका है भाई, ऐसे ही चल रहा है ठीक है भाई हम लोग कर दो। मैंने पेंटिंग बनाई है जो अभी 7 days की वर्कशॉप थी, लेकिन पूरा टाइम नहीं मिल पाया और लास्ट के 3-4 days में जो भी काम हो पाया और बहुत सारे बच्चों को लग रहा था, मैं उनका थोड़ा सा माइंड क्लियर कर देता हूँ कि जरूरी नहीं होता हर इनकम्प्लीट काम कम्प्लीट कुछ नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट चीज भी कम्प्लीट फील देती है क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है। आज इतने बड़े आर्टिस्ट देख लो आपके काम में एक बस कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट में या कुछ पैस देख काम खत्म कर दे, लेकिन वो डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस, ये बहुत मैटर करता है। सो दोस्तों ये जो कानपुर ट्रिप वाला जो ब्लॉग था ये यही खत्म हो रहा है इन बालकों के साथ और बहुत मजा आया, जबरदस्त मजा आया। ये बालक नहीं है, ये आतंक है, ये आतंकवादियों से कम नहीं है, ये कला जगत के जिहादी हैं। ठीक है बड़े जलंधर, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय।